कैसे इमरान भाई? खैरियत से? इमरान भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं V9 व्हीलर से। ठीक है, तो V9 के बारे में तो अक्सर लोगों ने वीडियो में बताया है, इसकी रोटेशन के, इसमें शिफ्टर मौजूद होता है, ठीक है, और उस हिसाब से जो है आज हम इसकी रेट थोड़े से हमने डाउन कर दिए हैं मजीद। अच्छा, ठीक है, तो आज जो हम इसके रेट दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 26,000 रुपीज़, 26,000 रुपये कर दिए रेट, ज़बरदस्त हो गया जी। और इसमें जो है एक और चीज़ भी है, अगर कोई यहाँ से TCS भी करवाना चाहे तो वो भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, और बाकी TCS का तो हम आखिर में बताएंगे सबको, सही है, वीडियो के एंड में। ठीक है सर, और इसमें जो है हमारे पास इस वक्त Xbox 360 मौजूद है स्लिम मॉडल, Xbox 360 अल्ट्रा स्लिम मॉडल मौजूद है। Xbox 360 स्लिम जो है ये 250 GB है, 1 वायरलेस कंट्रोलर है और कंप्लीट एसेसरी विद बॉक्स है। ये इस वक्त हम दे रहे हैं 18,500 का। ठीक है, ठीक है, और ये अल्ट्रा स्लिम मौजूद है Xbox 360 में, ये 500 GB में, ये हम दे रहे हैं 24,000 रुपीज़ का। इसी में अगर आप 250 GB लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 21,500 रुपये का। ठीक है, ये भी 1 वायरलेस कंट्रोलर के साथ है, बाकी बॉक्स वगैरह सब चीज़ है। अब बात करते हैं हम इनकी गेम्स की। ठीक है, तो जैसे लोग पैकेज वगैरह बना के देते हैं, सर आपको गेमें इतनी डाल के देंगे, उतनी डाल के देंगे, हमारे पास सिंपल और शॉर्ट वे में एक पैकेज होता है कि गेमें हम आपकी मर्जी के हिसाब से डाल के देंगे। अब उसमें 40 गेम्स आएँ, 50 गेम आए या 60 गेम आए, जी टी ए 5 चाहिए, बड़े गेम चाहिए तो फिर उस हिसाब से देखिए, अगर बड़े गेम डलवाते हैं तो 35 से 40 आते हैं। ठीक है, अगर आप उसमें छोटे गेम डलवाएंगे तो 50 भी आ सकते हैं, तो 60 भी आ सकते हैं। अगर मैं मिसाल है ख़ुद जैसे लोग बना के रखते हैं पहले से, तो उसमें छोटे गेम डाल देते हैं तो उसकी वजह से वो 60 गेम हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालते हैं जो उसको खेलना है। ठीक है सर, ठीक है, अब हम बात करते हैं Xbox One S की। Xbox One S में हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी वैरायटी मौजूद है, 500 में भी है और 1 TB भी है। ओके, ठीक है, 500 GB जो हम दे रहे हैं वो 37,500 का है। ठीक है, और 1 TB में जो है वो 43,000 का है। 43,000, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें किसी में हमारे पास बॉक्स अगर आते हैं तो हम उसको बॉक्स के साथ देते हैं, अगर जिसमें बॉक्स नहीं आते तो हम नहीं देते। ठीक है, इसलिए बॉक्स हम कोई ना प्राइस में इंक्लूड करते हैं ना वैसे। ओके, ठीक है सर, अब हम बात करते हैं PS4 Slim की। PS4 Slim, ठीक है, तो PS4 Slim में जो हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह 500 GB भी है और 1 TB भी है। ये तीनों पीस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जेल ब्रेक में मौजूद है। ठीक है सर, और इसकी जो प्राइस है 500 GB की वो हम दे रहे हैं 53,000 रुपये, 53,000 जेल ब्रेक। ठीक है सर, और इसी में जो 1 TB है उसके रेट है 58,000 रुपीज़, विद बॉक्स से दोनों के। ठीक है, उसमें भी यही है कि गेमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, वो जो बोलेंगे हम उसमें डाल के देंगे, अपने पास से कोई नहीं डालेंगे हम। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं PS4 Fat की। PS4 Fat, ठीक है, फैट में हमारे पास जो है दोनों मॉडल मौजूद है इस वक्त, 1200 भी मौजूद है, 1100 भी मौजूद है। ठीक है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह चारों पीस जो है हमारे पास जेल ब्रेक में मौजूद हैं। ओके, ठीक है सर, 1200 जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं 47,000 का। 47,000, ठीक है, ठीक है, और इसमें हमारे पास 500 GB में मौजूद है और गेमें जो हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं। ओके, 1100 सीरीज लेंगे वो आपको पड़ेगा 46,000 का। ओके, ठीक है सर, इसमें ये है कि गेमें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं। ओके, ये हमारे पास मौजूद है PS4 Fat ग्लेसी एडिशन, ये हम दे रहे हैं 49,000 का। 49,000 का ग्लेसी एडिशन जी, फील कंसोल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इसके जो हम प्राइस दे रहे हैं ये फाइनल है, ये फाइनल प्राइस 49,000। ओके, इनमें जो है नेगोशिएट है, स्लाइटली नेगोशिएबल है। ठीक है सर, ठीक है, और इनके साथ जो है हमेशा जो आपको पता है ये एक कंट्रोलर होता है। ठीक है, बाकी 1200 के साथ जिनके साथ बॉक्स आए हुए हैं उनके साथ बॉक्स मिलेंगे, और जिनके साथ नहीं है वो कंसोल और कंट्रोलर वगैरह एसेसरीज के साथ है। ओके, इसी तरीके से Xbox One हमारे पास मौजूद है। Xbox One की तो वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है नुमान भाई जी। Xbox One में हमारे पास 1 TB में भी और 500 में भी मौजूद है। ओके, ठीक है, तो 500 GB जो इस वक्त हमने रेट किया है वो है 28,000 रुपीज़, 28,000 रुपये, सही है। ठीक है सर, और इसी में अगर 1 TB लेते हो 32,000 का है। 32,000 का 1 TB जी, ठीक है नुमान भाई, इसके अलावा क्या बता रहे हैं आप हमें? बाकी एक वन एस ये भी रखा हुआ है जो बॉक्स के साथ है हमारे पास। ये कितने का नुमान भाई? ये भी सेम प्राइस,
मैंने अभी जैसे हमने बताया कि बॉक्स की कोई वो नहीं है कि किसी में बॉक्स होगा तो किसी में नहीं है, ठीक है सर। सर एक्स तो बेसिकली अभी मैं सेल आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने पर्सनल यूज के लिए रख लिया है। अच्छा अच्छा, मुझे भी गेमिंग का शौक है तो मैं भी खेलता हूँ उस पर, ठीक है। तो बस कस्टमर से भी आप लेके आए अच्छी वैरायटी। हाँ तो ये है कि अभी स्टॉक आ रहा है इसका अभी अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो उसमें जब अगले जब कस्टमर को रिक्वायरमेंट होगी तो वो कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास PS3 मौजूद है 320 GB में, ओके, ठीक है। गेमें जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे एक्सबॉक्स में, ठीक है, तो ये इनको पड़ेगा 22,000 rupees का 2 वायरलेस कंट्रोलर के साथ। ठीक है, कनेक्ट डिवाइस हमारे पास मौजूद है, ओके, ठीक है सर। क्या प्राइस है कनेक्ट के? ये 3,500 rupees। बाकी अगर कोई कंसोल के साथ लेता है हमसे तो उसमें जो हम पैकेज बना सके वो हम उसको बना के देंगे, ठीक है सर। ठीक है, बाकी ये कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिपेयरिंग के हवाले से जो हमने पहले भी दिखाया वीडियो में, तो आज जो है हमारे अली भाई अभी ये PS4 है जो पावर डेट पे है अभी इस पर रिपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। देख लें गाइस ये पूरा बोर्ड है इसका, इस पर रिपेयरिंग हो रही है, सही हो जाएगा नुमान भाई ये? बाकी इंशाल्लाह जो है अभी इसमें 80% तो उम्मीद है कि ये बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें पावर डेट है, ठीक है, और ये कस्टमर का है, और ये जो है हमारे पास सखर से आया है, ओके। तो बाकी जो उम्मीद होगी अल्लाह के ऊपर है, हम अपनी मेहनत पूरी करेंगे, पूरी सर्विस होगी। यहाँ पे और भी सामान है, इनके पास सारे टूल्स हैं, टेम्परेचर मीटर है, सोल्डिंग वायर है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे है। आपका कंसोल है लाइए, इधर कोई इशू आ रहा है तो हाथ क्या होते सामने काम करवाएं। देखिए इसमें ये उतनी इसमें ये होता है कि जैसे अगर नॉर्मल कोई फॉल्ट होता है ना या सर्विस है, ठीक है, हाथ क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल काम जो भी होगा अगर उनके सामने हो सका तो हम उनके सामने करेंगे, ठीक है। अगर कोई बड़ा फॉल्ट होता है जैसे कि ये है बोर्ड का इशू वगैरह तो इसके लिए आपको छोड़ना पड़ता है, सही है, ठीक है। बाकी हमारे पास जो है अभी सिलिकॉन पाउचेस की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी वैरायटी आ गई है, तो अभी डिस्प्ले नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनको डिस्प्ले भी करके हम दिखा देंगे, ठीक है। इसके अलावा नुमान भी कंट्रोलर का हमें बताएं, पूरी वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है कंट्रोलर की। कंट्रोलर में देखें अभी आपने शायद पहले वीडियोस में देखा भी होगा कि निकॉन हमारे पास बहुत सारे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह खाली 3 बचे, सही है। कैसी कैसा फीडबैक है, कस्टमर फीडबैक निकॉन पे? निकॉन पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस होता है, क्योंकि जो फॉर्टनाइट वगैरह के गेमर्स होते हैं ना उनके पास ज्यादातर कंप्लेंट्स आती है नॉर्मल कंट्रोलर में एनालॉग्स पे, ठीक है। जरा बताएं हमें क्या प्राइसेस हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि हमारे पास ये निकॉन है, ठीक है, तो हम इसके बारे में बताते चले। देखें हमेशा मैंने बताया इसके जो एनालॉग्स होते हैं वो लोहे के होते हैं, ओके, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत रिलायबल होती है, ठीक है। ज़्यादा मूवमेंट आपको बहुत से गेमर्स होते हैं जो कि फॉर्टनाइट वगैरह में फ्रीक्वेंसी को अपनी कम करते हैं, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ पाती, ठीक है। ये हम दे रहे हैं 3500 का, 3500, ओके, ठीक है सर। इसी में हमारे पास PS4 के जो हैं कंट्रोलर मौजूद हैं हमारे पास, ओके। स्कर्फ मौजूद है, स्कर्फ हम दे रहे हैं 7,000 rupees का, ओके, यूज़ में ये, ओके। इसी में हमारे पास जो मौजूद है सर एक्सबॉक्स 1 के कंट्रोलर की वैरायटी काफ़ी मौजूद है इस बार, एक्सबॉक्स की काफ़ी वैरायटी है। एक्सबॉक्स के जो हमारे पास ब्लैक में है वो 5,500 के हैं, रेड में, ठीक है, जो रेड वाला है वो 6,500 का है, ठीक है, और जो पिंक वाला है वो भी 6,500 का है, ठीक है, और इसमें जो माइनक्राफ्ट एडिशन है वो भी 6,500 का है, ठीक है, ठीक है। और PS4 के जो कंट्रोलर हमारे पास यूज़ में है वो 5,500 के, ठीक है। इसी में हम जो है चाइना वाले भी दिखा देते हैं, दिखाइएगा जरा, ये कस्टमाइज कंट्रोलर है जी, जरा बताएंगे क्या प्राइसेस दे रहे हैं आप? ये हम दे रहे हैं 3700 के, 3700 का कस्टमाइज कंट्रोलर जी। और ये PS3 के कंट्रोलर कॉपी नजर आ रहे हैं, ये कॉपी है, इसमें अगर आप जो है कलर वाले लेते हैं हमसे, ठीक है, तो ये आपको पड़ेंगे 1700 rupees के, 1700 के। और विदाउट कलर? विदाउट कलर ब्लैक कलर में होता है, ये 1300 rupees का है, सही है। एक्सबॉक्स 360 के वायर वाले ये 1700 rupees के हैं, ओके। और इसी में हमारे पास एक मौजूद है PS4 का कीबोर्ड, हॉरी आर्केड कीबोर्ड विद माउस। माउस तो इसमें हमने नॉर्मल अपना लगाया हुआ है, जिनको जॉयस्टिक की आदत नहीं है और कीबोर्ड पे गेमिंग करते हैं तो वो अपने कंसोल पे भी एज एन कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। और इसके साथ जो इनका अपना हॉरी का छोटा सा जो इनका वो भी जॉयस्टिक ये भी मौजूद है, ठीक है। क्या प्राइस है अनुमान भाई? देखिए अगर कोई हमसे पूरा पैकेज लेता है तो इसके रेट है 12,000 rupees। अच्छा, और खाली कीबोर्ड और माउस? खाली कीबोर्ड और माउस लेता है तो 9,000 rupees। 9,000 तो बेटर है कि आप पूरा पैकेज ही लें, एनालॉग जॉयस्टिक भी आ गई और कीबोर्ड भी आ गई आपके पास। इसमें ये कभी कभार ऐसा होता है कि बंदे का शायद इस पे भी खेले तो हाथ सेट हो जाता है, साथ साथ कंट्रोलर पे भी,
बाकी हमारे पास एक्सबॉक्स वन के कंट्रोलर मौजूद हैं। हाँ, ये बॉक्स वाले नजर आ रहे हैं मोहम्मद भाई जी। क्या प्राइस है? अच्छा, इनके जो पहले जो प्राइस थे, अब प्राइस इनके चेंज हो गए थोड़े से, ठीक है, क्योंकि रेट फ्लक्चुएशन आपको भी पता है कि रेट ऊपर हो रहा है हर चीज़ का, फ्लक्चुएशन बहुत है। तो इस वक्त पहले हम इसके प्राइस दे रहे थे 7,500 रुपये, अब ये हो गए 8,200 रुपये के। 8,200 इसमें जो है 8,200 में ब्लैक है और वाइट है, ठीक है। और ये ब्लू, ये है 8,800 का, 8,800 ब्लू है ना, कलर इसका चेंज है जी, ठीक है। नुमान भाई, हेडफोन नजर आ रहे हैं। हेडफोन की अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंशाल्लाह हमारे पास और वैरायटी भी आ गई है जो यूज में ओरिजिनल है, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको दिखाऊंगा लोगों को। और बच्चों को गिफ्ट देने के लिए मेगा ड्राइव 2 सेगा जी, ये भी मौजूद है। ये कितने का नुमान भाई? ये 3,300 का है, ठीक है। नुमान भाई, और कुछ बताना चाह रहे हैं? बाकी बैटरी पैक्स वगैरह हमारे पास सारे मौजूद हैं 360 के, और इंशाल्लाह अभी एक्सबॉक्स 1 के भी आ रहे हैं हमारे पास बैटरी पैक्स, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को शिकायत होती है यार कि वन में कंट्रोलर में सेल लगाने पड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके साथ साथ अब जो हम बात करने जाएंगे डिलीवरी प्रोसेस पे, मेन चीज़ पे, देखिए अगर जो कुछ क्लाइंट्स हमारे जो बाहर के होते हैं आउट ऑफ स्टेशन के, तो उनके लिए हमारे लिए ये होता है कि वो कहते हैं यार कि हमें COD चाहिए। हम COD करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लेकिन हम उनको ये कहते हैं कि अगर वो COD ना करवाएं तो वो उनके लिए बेहतर होता है, क्योंकि देखें हम इतना बड़ा आउटलेट लेके बैठे हैं, उनके 30-40 हज़ार रुपये लेके हम नहीं भागेंगे। आपकी वीडियोस ही भरी पड़ी हुई हैं, सारी वीडियोस आती रहती हैं, तो कोई कंप्लेन है नहीं ना? अगर हम बोलते हैं उनसे कि नॉर्मल डिलीवरी पे अगर आप ये लोग करवा लें तो उनके 1,000-1,200 रुपये बचेंगे, ओके। बाकी अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप बोलेंगे तो हम COD कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। COD में डिपेंड करता है कि कौन सा आप कंसोल ले रहे हैं। आपका 50,000 का कंसोल है? 50,000 का कंसोल है तो उसके लिए आपको 5,000 रुपीज एडवांस देना होगा। क्योंकि वो 5,000 जो है श्योरिटी डिपॉजिट होता है कि हाँ उन्होंने ऑर्डर कंफर्म कर दिया, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमने ट्रस्ट पे यहाँ से जब भेज दिया तो वहाँ से ऑर्डर उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो उसकी जो COD लगी मुझे अपनी जेब से देनी पड़ी, ठीक है। तो वो उनके लिए हम श्योरिटी होता है कि अगर वो रिटर्न भी आ गया तो मेरे पास उनकी COD पहले से मौजूद होती है, ठीक है। और जो कराची वालों के लिए होते हैं वो तो हम एरिया वाइज उनको बताते हैं कि एरिया वाइज उनके क्या चार्जेस हैं, किसी के 300 भी हैं, किसी के 400 भी हैं, किसी के 500 भी हैं। अच्छा, नुमान भी कराची में किसी के कंसोल में कोई इशू आ रहा है और वो सदर नहीं आ सकता, सदर आना आसान नहीं होता है ट्रैफिक की वजह से, तो उनके घर पे आप है अवेलेबल? जी बिल्कुल, उनके पास सर्विस ऐसी है कि हमारा नुमाइंदा जो है वो उनके घर से कंसोल पिक करेगा, ठीक है, और यहाँ लेके आके उसको चेक करेगा, फिर हम उसको उनको फॉल्ट बताएंगे कि सर ये फॉल्ट है और इसमें इतना खर्चा आ रहा है, ठीक है। अगर वो रिपेयर करवाते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करवाते और बोलते इसी कंडीशन में वापसी भेज दो तो जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो उनको सिर्फ पे करना होगा। ये जो आपके जो डिलीवरी चार्जेस हैं, और अगर वो करवाते हैं तो विद इन नेक्स्ट डे या जैसे ही होता है तो आप जी उनको घर पे डिलीवर करा देंगे विद चेकिंग? बिल्कुल, और ये होता है कि कभी कभार हम ये भी होता है कि 2 दिन भी हम कंसोल रखते हैं, जो अगर कोई ज़्यादा हमें मेजर फॉल्ट लगता है और वो रिपेयर हो जाता है तो हम भी उसमें 2 दिन हम इसलिए रखते हैं ताकि हम भी चेक कर सकें, मुतमइन हो जाएं, 7-8 घंटे 9 घंटे हम भी उसको चेक करते हैं सही से ना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से आपको भेज दूँ, एक मिसाल है, आप अगर कस्टमर इमरान भाई, मैं यहाँ रिपेयर करके आपके हाथ में दे दूँ, आप बोलो सर ले जाएं, और आप घर जाके बोले यार नुमान भाई इसमें तो वही फॉल्ट आ रहा है, तो फिर हमारी रेपो गिरती है इससे। ऐसा ही है, वो तो इमेज खराब नहीं करनी ना, तो इसलिए हम 1-8 दिन लेते हैं कस्टमर से ताकि हम अपने आप को मुतमइन हो जाएं, 3 घंटे चेक कर सके, कंसोल ऑन करके देख सके। तो गाइस, उम्मीद करते हैं नुमान भाई ने आपको सारी डिटेल्स बता दी होंगी, कैश ऑन डिलीवरी, कंसोल रिपेयरिंग, एक्सबॉक्स के प्राइसेस, प्लेस्टेशन के प्राइसेस। नुमान भाई, गेम्स का कुछ बता दीजिए लोगों को, बहुत सारे गेम्स है, व्हाट्सएप पर रब्ता करें। सर देखिए, गेम्स तो ये है कि आज आप वीडियो में दिखा रहे हैं, ठीक है, वीडियो लॉन्च होने में 1-2 दिन लगते हैं, ठीक है, तो कभी ऐसा होता है कि ये सोल्ड आउट हो जाता है, हो सकता है जैसे कि मिसाल है कोई मेरे पास कोई 2,000 का गेम आया हुआ है अभी, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट डे शायद वो 1,500 की बाइंग में भी आ जाए, हो सकता है मुझे 2,200 रुपए का भी आ जाए। जो गेम चाहिए, सपोज गोस्ट ऑफ त्सुशिमा चाहिए, नुमान भाई के व्हाट्सएप पे करें, गोस्ट ऑफ त्सुशिमा चाहिए, रेट बताएंगे, आप ऑर्डर कंफर्म कर। ये कि जैसे कि अक्सर हमारे पास क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें कंसोल चेक करना होता है होम डिलीवरी पे, तो हम यही कहते हैं कि हमारा नुमाइंदा आपके घर पे जाएगा, ठीक है, वही पूरा आपको सेटअप करके दिखाएगा, LCD पे कनेक्ट करके सब चीज़ करके आपको चेक वेक करा के, आप भले 15-20 मिनट आधा घंटा लें अपना चेक करें, उसके बाद आप उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। और उसमें जो है क्या कहते हैं, आप भले आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहें अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, या नुमाइंदे को कैश देना चाहें वो कैश दें, ठीक है। उसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ कि जब हमारे पास अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर कन्फर्मेशन करता है
तो हम कराची वालों के लिए सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हम उनसे लेते 2000 रुपीज़ छोटी डिपॉजिट के लिए, ठीक है सर, ताकि उनका ऑर्डर के अगर ये हाँ भाई इन्होंने कंफर्म कर दिया है तो हम इस कंसोल की किसी और क्लाइंट से बात नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स लॉट।